नमस्कार, आज के मोटिवेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र जोधपुरिया और आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो अभी के समय की मौजूदा स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा और वो हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है उस बारे में हम बात करेंगे। आज फोग चल रही है, एक मशहूरी मुझे याद आती है कि आजकल क्या चल रहा है, बस फोग चल रहा है, फोग चल रहा है। तो आज हमारे यहाँ भी फोग ही चल रहा है, जहाँ भी देखो धुंध ही नजर आती है और धुंध के कारण रफ्तार जीवन की रुक जाती है, साधनों की रुक जाती है, क्योंकि धुंध के अंदर उस समय का नहीं पता चलता कि कितना समय हो चुका है और दूरी का नहीं पता चलता कि हम कितनी दूर निकल आए हैं, स्पीड का भी नहीं पता चलता क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करती है ये धुंध, जैसे हमें धुंध नज़र आती है तो हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती और धुंध जितनी गहरी होंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। जैसे हमारा कोई भी गोल है, हम ए पॉइंट पर खड़े हैं और हमारा गोल है बी पॉइंट, हमें बी पॉइंट नज़र नहीं आएगा अगर बीच में धुंध है तो। जैसे हम पहुंचना चाहते हैं कहीं और धुंध बहुत गहरी है तो हमें वो स्थान नज़र नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जीवन में हम जहां पहुंचना चाहते हैं अगर वो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसके बीच में भी धुंध है, तो हमारा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस केस में हमारा पहुंचना नामुमकिन भी हो सकता है। तो हमारे जीवन में किस प्रकार की धुंध होती है, किस प्रकार के रास्ते में अवरोध आते हैं, अगर हमारे बिलीव सिस्टम अच्छे नहीं है, नेगेटिव बिलीव सिस्टम है, हमारा खुद के ऊपर विश्वास कम है, हम जो करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से हम रत नहीं रहते हैं, हमारा फोकस पूरा नहीं है, तो हमें धुंध वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक गोल हमारे या लक्ष्य हमारे क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे, क्या हम पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें इस मन के ऊपर पड़ी धुंध को हटाना होगा, जो हमारे लक्ष्य के बीच में जो धुंध है उसे हमें साफ करना होगा। साफ करने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना होगा कि मेरी कंडीशनिंग कैसी है, मेरी खुद के साथ थिंकिंग कैसी है, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरी आदतें कैसी है, क्या मेरी आदतें ऐसी है जो धुंध का काम करती है, या मेरी आदतें ऐसी है जो मेरे लिए एक शीशे का काम करती है, एक लाइट का काम करती है जो मेरे लक्ष्य को और अधिक क्लियर कर रही है या उसे धुंधला कर रही है। तो हमें इस चीज़ को क्लियर करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जब तक हमारे गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज से ही हम अपने विज़न के बारे में सोचें, जो हमारा विज़न है उसके बीच में क्या कोई धुंध है, अगर धुंध विचारों की है, बिलीफ सिस्टम की है, कंडीशनिंग की है, आदतों की है, तो उसे प्रकाश से साफ करें, जागरूकता से साफ करें, अवेयरनेस के साथ उसकी सफाई करें। थैंक यू वेरी मच।